हेलो एंड वेलकम, मैं आपका दोस्त तेजस्वी शर्मा एक बार फिर आप सबके सामने फेसबुक के माध्यम से लाइव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। और आज हमारे बीच हमारे 10वें बहुत ही बेहद और खास मेहमान हम सबके साथ मौजूद हैं दोस्तों। और आज मैं उन सबको आपके सामने लाइव जो है रूबरू कराऊंगा, उनसे आपको बात करवाऊंगा और हम उनसे जानेंगे सीखेंगे कि किस तरीके से हम सभी के लिए मोटिवेशन है, प्रेरणा है और किस तरीके से उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले के दम पे अपनी तकदीर को बदल दिया कि वो आज इस मुकाम तक हैं और उनको मतलब उन्होंने इस बुलंदी को हासिल किया है। और उनका नाम है अर्कप्रतिम चांदर जी और वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है दोस्तों, प्रेरणा है। और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद जो आप मुझे इतना सारा प्यार सम्मान दे रहे हैं और जिस तरीके से मैं अपने काम पे डटा हूँ और मेरी कोशिश जो है हमेशा ही जारी रहेगी कि मैं आप सबको मोटिवेट करता रहूँ और ऐसे ही मोटिवेशनल लोगों से मिलवाता रहूँ। तो अब मैं आपको जो है हमारे जो 10वें बेहद ही खास मेहमान है उनसे मिलवाने जा रहा हूँ, अर्कप्रतिम जी जी से। और ये हमारे सामने हेलो सर, क्या कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप बताओ। थैंक यू सो मच अर्कप्रतिम जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे सामने जो है दोस्तों से लाइव फेसबुक पे बात करने की ठानी और आपने जो हिम्मत या हौसला दिखाया है कि आप सभी को जो है अपनी मोटिवेशन और इंस्पायरिंग स्टोरी से जो है हम सभी को मोटिवेट करने वाले हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्कम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जेएनयू से क्या कर रहे हैं? जेएनयू से मैं जेएनयू में जब आया था 2011 में, मैं एमए में आया था जी, लेकिन अभी मैं एमफिल किया उसके बाद, तो अभी पीएचडी में हूँ। जी, पीएचडी चल रहा है मेरा। जी, तो आप कौन से सेंटर से हैं? मैं सीएसआरडी से हूँ, ट्रिपल एस। अच्छा, तो आप जो पीएचडी कर रहे हैं उसका क्या सब्जेक्ट है, किस? ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जी, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अर्कम जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि आपको जो जो डिसेबिलिटी है वो किस तरह की डिसेबिलिटी और कैसे हुई? ऑर्थोपेडिकल डिसेबिलिटी है, मेरे बाएं हाथ का अपर लिम एब्सेंट है। Due to that, I have 70% of disability. Okay. तो बिल्कुल जाहिर सी बात है अर्कम जी, जब आपको इस तरह की परेशानी आई होगी तो ये आपको क्या बाय बर्थ है या कुछ? ये बाय बर्थ है मेरा। जी, तो दोस्तों अर्कम जी को ये परेशानी बाय बर्थ है, तो अर्कम जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जाहिर सी बात जब आपको ये परेशानी हुई होगी तो आपको कई सारी मुश्किलों का जो है सामना आपने किया भी होगा और करना पड़ता भी होगा। तो मैं अगर आप हमारे दोस्तों के सामने, फेसबुक जितने भी हमें लोग देख रहे हैं उनके साथ अगर कोई अपना एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा शेयर करना चाहें तो जी। एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए कि ये जो डिसेबिलिटी होते हैं, डिसेबिलिटी लोग डिसेबिलिटी बोलना नहीं चाहिए, पहली बात है। डिसेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ एबिलिटी। ओके, ठीक है। ओके, क्योंकि लोग कुछ हटके करते हैं यहाँ पे, मतलब जो लोग डिसेबल होते हैं वो लोग डिसेबल होते नहीं है। ओके, और उनको सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा। डिसेबिलिटी एक तरह की एबिलिटी होता है जो बाकी लोगों में नहीं होता है। ओके, तो ये मैं बोल के या फिर समझा के नहीं बता सकता, ये अपने आप पे सबको पता है जो लोग ऐसे हैं। डे टू डे लाइफ में आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर कुछ भी नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, मुझे परेशानी बहुत ही कम होता है इस चीज से, ना के बराबर। लेकिन वो जो परेशानी है वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत पेटी लगेगा सुनने में, कि मतलब एक चीज मैं एक साथ दो तीन चीज ग्रैब नहीं कर सकता साथ में। Okay. एक साथ उठा नहीं सकता दो तीन तरह का चीज एक साथ। Okay. That's it. और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है इस चीज से। Okay. लेकिन जो है वो मैं, मेरा ये जो है वो अपने आप है, मतलब नेचुरल है। Okay. तो मेरे बाई एक्सीडेंट नहीं हुआ इसीलिए मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। Okay. मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो समाज का जो है इसके प्रति क्या रवैया रहा, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप जब मेट्रो में, बसों में या बाहर एग्जैक्टली सब पूछते हैं सब, मैं तो अभी, मुझे तो अभी सुनते ही बस समझ में आ जाता है। बात यह है कि लोग मुझसे बात करते हैं, करते करते जब लास्ट बात आती है तो मुझे पूछा जाता है आपसे बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैं नहीं, ये मेरा नेचुरली है। अच्छा, मुझे पता चल जाता है वो लोग वही पूछने वाले, आपको कैसे पता चल रहा है कि यार देखा है, एक्सपीरियंस है, पता चल जाता है। लोग यही पूछते हैं तो इससे कोई बुरा नहीं लगता या ऐसी बात नहीं है। लोग वेट लगते हैं, लोग तो पूछेंगे ही, लोगों का काम है पूछना, लेकिन मुझे, मैं कैसे टैकल करूं, मैं गुस्सा आ जाऊं या फिर ऐसे बोलूं, तो वो मुझ पर डिपेंड करता है। यार चिल मार, यार ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूं अपने आप पे, वही है, ऐसा ही बोलता हूं, और कुछ दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, पढ़ाई से संबंधित लिखने में या फिर कुछ इस तरह की परेशानी? लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, टाइप करने में भी दिक्कत नहीं है, मैं एक मिनट में 140 से ज्यादा लेटर टाइप कर सकता हूँ लैपटॉप में। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, आप जो है अर्कप्रीत जी को सुन रहे हैं और हम सभी के लिए मोटिवेशन है। अर्कम जी, आपसे मेरा एक और सवाल, फैमिली का क्या सपोर्ट रहा इस चीज को? फैमिली का ही तो सपोर्ट रहा है भाई मेरे, फैमिली ने सपोर्ट दिया तब मैं यहाँ तक पहुंचा, अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी लक, किस्मत की बात है, किस्मत नहीं बोलूंगा, किस्मत शब्द इसके सामने बहुत छोटी लगती है। तो
मेरे लिए आशीर्वाद है उन लोगों का ये, बस फैमिली सपोर्टिव था इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और भगवान ने चाहा मैं आगे भी पहुँच जाऊँगा, जहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन है, जहाँ पे मेरा मुकाम है वहाँ पे पहुँचूंगा, और मुकाम पे पहुँचने के बाद मेरी असली जर्नी शुरू होगी। ओके अर्क जी, मेरा आपसे एक और ही बेहद खास सवाल जो कि मैं हमेशा अपने दर्शकों से पूछता हूँ, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है मैं योग का विद्यार्थी हूँ और मैं योग में ही चैंपियन रहा हूँ और योग में अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो एक मेरा बेहद ही खास सवाल कि योग में पूरे विश्व में इसका बहुत आचार प्रसार हो रहा है और लोग जो है योग से जुड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके लिए योग में ऐसा क्या करें ताकि आप भी इससे जुड़ सकें, और आपके लिए योग क्या है, मतलब अगर आप इसमें अपने कुछ विचार साझा करना चाहें तो बिल्कुल आप हमारे दोस्तों के साथ करें जी। देखिए मुझे योग वोग नहीं आता करना, मैं उतना फिजिकली फिट नहीं हूँ, मैं काफी हैवी इंसान हूँ जी, तो बात ही है, लेकिन